आप सभी का स्टडी पीएटी में स्वागत है। आज देखेंगे हम जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 8 जो यूपी सुपर टेट एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। देखते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद था? ऑप्शन है पंचाल, अमरावती, कांचीपुरम या तंजावुर। बताइए कौन सा एक प्राचीन महाजनपद था। इसमें से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पंचाल। पंचाल जो था एक प्राचीन महाजनपद था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन है अरावली की पहाड़ियाँ या पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट या हिमालय। भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसमें से ही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, हिमालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा द्वारा लिखा गया था किसके द्वारा? अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है अब्बुल फजल या फिर इब्नु बतूता या अब्दुल रहीम या अलबरूनी। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? इसमें से ही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान ने निर्धारित किया है कि संसद के दोनों सदनों को कम से कम सम्मानित किया जाना चाहिए। ऑप्शन है साल में एक बार या साल में दो बार, साल में तीन बार या एक वर्ष में चार बार। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, साल में एक बार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना को भारत में साल में लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है 1947, 1948, 1951 या 1952। पहली पंचवर्षीय योजना भारत में कितने साल में लॉन्च किया गया था, कौन से सन में लॉन्च किया गया था? इसमें से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एस सच्चिदानंद सिन्हा या राजेंद्र प्रसाद या बी आर अम्बेडकर या एस सी मुखर्जी। बताइए भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसमें सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एस सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे, अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या कुमार गुप्त या गोपाल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही ऑप्शन इसमें आपका सी हो जाएगा, कुमार गुप्त थे। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस रंग में सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य है? ऑप्शन है हरा, पीला, नीला या लाल। बताइए किस रंग में सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य है? इसमें सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लाल। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में है गदर यानी विद्रोह पार्टी का गठन किया गया था, किसने किया था? भाई परमानंद या लाला हरदयाल या राजा महेंद्र प्रताप या बाबा गुरमुख सिंह। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट, म्यांमार यानी वर्मा वर्ष में भारत से अलग हो गया था? ऑप्शन है 1919, 1911, 1935 या 1912। म्यांमार वर्ष में भारत में कब अलग हो गया था? इसमें सही ऑप्शन हो गया सी, 1935 में। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है? ऑप्शन है जकार्ता में, सिंगापुर में, मनीला में या ढाका में। बताइए एशियाई विकास बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? इसमें सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मनीला। एशियाई विकास बैंक का प्रधान कार्यालय मनीला में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन है सहारा, गोबी, कालाहारी या थार। बताइए दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, सहारा। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है? ऑप्शन है आर्टिकल 18 या आर्टिकल 19 या आर्टिकल 20 या आर्टिकल 21।
बताइए, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है? इसमें सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आर्टिकल 21। नेक्स्ट, अमेरिकी सेना नेतृत्व में नाटो सैन्य अभ्यास स्ट्रीट फोर्स डिफेंडर यूरोप 21 किस देश में शुरू हुआ है? ऑप्शन है अल्बानिया या तुर्की, फ्रांस या एस्तोनियो। बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अल्बानिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों में शिपमेंट के लिए किस ऑपरेशन का अनावरण किया है? भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों में शिपमेंट के लिए किस ऑपरेशन का अनावरण किया है? ऑप्शन है मिशन सागर या समुद्र सेतु या संकल्प या राहत। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समुद्र सेतु। नेक्स्ट देखेंगे, विजय हजारे ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या गोल्फ। बताइए विजय हजारे ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसमें सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट, ओंकारेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। बताइए ओंकारेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है 25 अप्रैल, 19 अगस्त, 8 सितंबर या 20 मार्च। बताइए विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? इसमें सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 20 मार्च। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बताइए? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, आई आर डी ए आई का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, देहरादून या दिल्ली। बताइए आई आर डी ए आई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन इसमें आपका बी हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, आसियान समूह के सदस्य देश कितने हैं? ऑप्शन है 5, 10, 7 या 8। आसियान समूह के सदस्य देश कितने हैं? सही ऑप्शन इसमें आपका बी हो जाएगा, 10 है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी रूस व चीन के बीच प्राकृतिक जलीय विभाजक सीमा बनाती है? ऑप्शन है सेंट लॉरेंस नदी या आमुर नदी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सी नदी रूस व चीन के बीच प्राकृतिक जलीय विभाजक सीमा बनाती है? सही ऑप्शन इसमें आपका बी हो जाएगा, आमुर नदी। नेक्स्ट, गरजता चलीसा भयंकर पचासा व चीखता साठा है, बताइए कौन से ये पवन हैं? उत्तरी व्यापारिक पवन है या दक्षिणी व्यापारिक पवन या दक्षिणी पछुआ पवन या उत्तरी पछुआ पवन। गरजता चलीसा भयंकर पचासा व चीखता साठा, इसमें सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दक्षिणी पछुआ पवन है। नेक्स्ट देखेंगे, संवहन मंडल किस मंडल का दूसरा नाम है? ऑप्शन है परिवर्तन मंडल, विक्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल या सभी। बताइए संवहन मंडल किस मंडल का दूसरा नाम है? इसमें सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी, परिवर्तन मंडल, विक्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, इन तीनों का नाम संवहन मंडल भी है। नेक्स्ट देखेंगे, 0 डिग्री देशांतर यूरोप महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 8, 5, 3 या 4। बताइए 0 डिग्री देशांतर यूरोप महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरती है? सही ऑप्शन इसमें आपका सी हो जाएगा, 3 देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, मुर्मुस्क बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन है यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप। नेक्स्ट देखेंगे, तिब्बत के पठार से निकलने वाली चारों नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा? तिब्बत के पठार से निकलने वाली चारों नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा? ऑप्शन है शालवीन, हुआंगो, यांगतसी या मेकांग, या मेकांग, शालवीन, हुआंगो या यांगतसी, या हुआंगो, यांगतसी, मेकांग या शालवीन, या हुआंगो, यांगतसी, शालवीन, मेकांग। इसमें सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा,
ह्वांगो, यांगत्सी, मेकांग और शालविन। इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकीर्णन, अवशोषण व परावर्तन संबंधित किससे हैं? ऑप्शन दिया है बादल, जलवाष्प या धूलकर, या धूलकर बादल व जलवाष्प, या धूलकर जलवाष्प व बादल, या इनमें से कोई नहीं। प्रकीर्णन, अवशोषण, परावर्तन संबंधित किससे हैं? इसमें सही ऑप्शन आपका सी है, धूलकर जलवाष्प व बादल से संबंधित है। नेक्स्ट, खमसीन नामक स्थानीय पवन का संबंध किससे है या किस देश से है? खमसीन नामक स्थानीय पवन का संबंध, ऑप्शन है इसमें मिस्र, सऊदी अरब, फ्रांस या इटली। सही ऑप्शन इसमें आपका ए हो जाएगा, मिस्र से संबंधित है खमसीन नामक स्थानीय पवन। नेक्स्ट, एल्ब्रुस चोटी इनमें से किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? ऑप्शन है एटलस पर्वत, यूराल पर्वत, एंडिस पर्वत या काके कसस पर्वत। बताइए एल्ब्रुस चोटी निम्न में से किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, काके कसस पर्वत पर स्थित है एल्ब्रुस चोटी। नेक्स्ट, अवधि के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 2। बताइए अवधि के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा गया है? सही ऑप्शन इसमें आपका ए हो जाएगा, 3 भागों में बांटा गया है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।